पिछोर पुलिस ने किया मोटरसाइकिल से नगर का भ्रमण, खुले में नशा करने वालों की धरपकड़। शिवपुरी जिले के पिछोर में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन पर एसडीओपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव ने अपने पूरे पुलिस बल के साथ मोटरसाइकिलों से नगर में एसडीओपी प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर नशे की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव एवं पुलिस बल के साथ आज कृषि उपज मंडी, छत्रसाल कॉलेज, मोती सागर पार्क, तालाब रोड, रन्नौत रोड, शिवपुरी रोड एवं कुछ ऐसे ठिकाने जहाँ पर असामाजिक तत्व नशे का सेवन करते हैं, ऐसी जगह जाकर भ्रमण किया गया, जिससे अब खुले में नशा करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर अवैध नशा बिक्री एवं नशे का व्यापार करने वालों के संबंध में जानकारी देता है तो उस व्यक्ति की पहचान गुप्त रहेगी। इसके साथ ही एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस तरह यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। सचिन राजभट्ट की। सर, आज पुलिस द्वारा नगर में भ्रमण किया गया, शाम को क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह भ्रमण रहा? ये हमारे एसपी साहब श्री अमन सिंह राठौर के निर्देशन पर ये आज हमने नगर का भ्रमण किया है, जिसमें हमने पिछोर थाना की पुलिस को साथ में लेकर बाइक से ऐसे स्थानों पर हम गए हैं जहां पर शाम के समय लोग शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। इसी क्रम में हमने मंडी के पीछे, उसके बाद में कॉलेज चौराहा और कॉलेज के अंदर और टेकरी सरकार मंदिर में जो पार्क है वहाँ, और उसमें हम फिर बस स्टैंड से होते हुए ये भ्रमण हमने वापस थाने पर आकर समाप्त किया है। सर, ये भ्रमण जो किया है, आगे भी इस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी क्या है? जी बिल्कुल, ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारे एसपी सर ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है जो 7049123434 है। इस पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और ये हेल्पलाइन नंबर जो है नशे के विरुद्ध ही जिला पुलिस द्वारा जारी किया गया है। धन्यवाद।